सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। अफगानिस्तान थोड़ा वीक लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी एक भी मैच जीता नहीं है वो, और इंडिया जितने भी मैच खेले वो सब जीती है। एक किसी वेदर की वजह से मैच रद्द हो गया था, तो शेयर पॉइंट शेयर कर लिया था उन्होंने, और बहुत बैटिंग ऑर्डर भी बहुत फॉर्म में है। कमाल करने के लिए तो बहुत है, पर मेरे को केएल राहुल पे ज़्यादा वो लग रहा है कि वो कर सकते हैं कमाल, क्योंकि लास्ट मैच भी उन्होंने 57 रन खेले थे और उन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया था जो आने वाले बल्लेबाज रहेंगे उनको। मीत सरवैया, थैंक यू। आज का जो इंडिया और अफगानिस्तान का जो होने वाला मैच है, ये मैच आज इंडिया का जीतेगा इसमें कोई दो राय नहीं है। अफगानिस्तान की जो टीम है वो अपने हिसाब से अगर देखे कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, क्योंकि वो टीम अच्छी खेलती है। उनका परफॉर्मेंस ये अपन वर्ल्ड कप में अगर देख रहे होंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन कैसा है टीम है खेल है बोल नहीं सकते। अपने इंडिया के जो प्लेयर्स है वो अच्छी तरह से खेले, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया आज मैच जीतने वाली है, क्योंकि इंडिया के जो प्लेयर्स है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। हालांकि अपने जो शिखर धवन है वो चोटिल जरूर है, लेकिन उनके बाद दूसरे जो प्लेयर है उनके बारे में जो खेलते हैं उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, इसलिए अपना इंडिया की जो टीम है आज जीतने वाली है बोले तो। बट ऑब्वियसली अफगानिस्तान थोड़ी वीकी टीम है, तो इंडिया ही जीतेगी मैच, और वर्ल्ड कप के लिए एकदम दावेदार जो है अपनी इंडिया टीम ही है, तो बट ऑब्वियस इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करेंगे, धवन जो इंजर्ड है उससे टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान तो होगा ही, उसकी कमी हमेशा हम लोगों को दिखे आएगी, लेकिन उसका अगर आप रिप्लेसमेंट अगर पूछते हो तो हार्दिक पांड्या मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। और वर्ल्ड कप जीतेगा तो इंडिया ही जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा, इंडिया। मेरा नाम मुकेश है, मैं लंदन से आया, इंडिया का सपोर्ट कर रहा है, देखने आ रहा है। एटमोसफियर है आप देख रहे हैं सब, आज तो साउथहैम्पटन तो ब्लू ही ब्लू करने वाले हैं हम, फिर यहाँ से जाएंगे बर्मिंघम नेक्स्ट वीक इंग्लैंड की मैच में, ब्लू ही ब्लू करने वाले, ये वर्ल्ड कप पूरा ब्लू ही ब्लू करने वाले हैं। तो देखते हैं सब, बॉयज अपना सभी अच्छा खेले, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, कल देखा आपने किसी को अंडर एस्टिमेट करें, आराम देख के खेले और होपफुली फाइनल में आ जाए।